चलिए पत्तों के पैसे पत्तों के पैसे Welcome back to my YouTube channel. So, इस खतरों के खिलाड़ी के सेट का एक बिहाइंड द सीन आ रहा है सामने, जिसमें एक बार फिर से फैज उजना साथ में बैठे और मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे, जहां पे राजीव आदित्य सभी कंटेस्टेंट के साथ मस्ती मजाक वाला एक गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे, जहां पे राजीव बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कनिका एलिमिनेशन के लिए आज किसे चुनेगी, अगर बड़ा कार्ड आया तो जना जुबेर को चुनेगी, अगर छोटा कार्ड आया यानी कि 1 2 जो भी नंबर वाले कार्ड आते हैं वो आया तो जना जुबेर को चूज नहीं करेंगे, और वही किंग यानी कि राजा रानी का कार्ड आया चूज करेंगे। तो आप भी देखो ऐसा क्या कार्ड आया जिसमें फैजू जन्नत इतना ज्यादा हंसने लगे। विल कार्निका चूज, अच्छा दैट दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन, विल कार्निका चूज, विल कार्निका चूज टू बी नॉट टू गो फॉर एलिमिनेशन, नो, विल शी चूज सिपी, नो, विल शी चूज सैड कमिंग क्लोजर, विल शी चूज निशान, नो, विल शी चूज जन्नत, या पत्तों के वीडियो देख ले आप लोगों को पता लग गया कि कनिका जना जुबेर को एलिमिनेशन के लिए चुनेंगे। सो ये बात बिल्कुल रियल हुई थी, जना जुबेर को कनिका माने एलिमिनेशन के लिए चुना था, लेकिन इसके अगले हफ्ते चुना था, इस हफ्ते नहीं चुना था, उसके नेक्स्ट वीक चुना था। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं राजीव के पास सच तो जरूर हो गई कि जना जुबेर को कनिका माने एलिमिनेशन के लिए चुनती है। सो यही था कार्ड का गेम, जिस कार्ड के गेम में जैसे जना जुबेर का नाम आया यानी कि बड़ा कार्ड आया, जहाँ पर हाँ आया कि कनिका चुनेंगे, तो वहाँ पर इस पर स्माइल देखने वाली थी, यानी किस तरह से जना जुबेर और मिस्टर फैजू दोनों ही हंसते हुए नजर आ रहे थे, बहुत ही क्यूट मोमेंट था। और इससे हमें इस वीडियो से पता लग गया कि दोनों हार्ड टाइम पूरी केके 12 की जर्नी उन्होंने साथ ही बैठ के बिताई है, साथ ही थे हर टाइम, बट एक स्टोरी वीडियो अपने फैंस के लिए नहीं डालते थे, ऐसा क्यों पता नहीं, सब छिपा के रखा हुआ उन्होंने फोन में, जो कि हमें शायद कभी देखने को मिल जाए, कभी तो मिलेगा। सो गाइस आपको कैसा लगा फैनत का एक क्यूट सा मोमेंट कमेंट बताओ, और ऐसे मजेदार अपडेट पाने के लिए फैज और जन्नत के अनसीन वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा तो रूबीना दिलेख के चैनल को विजिट कर लेना।